जय भीम इंडिया पर मैं पल्लवी डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ। अब रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। SST/ST के प्रमोशन पर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो ने दी प्रतिक्रिया। बसपा ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। स्कूल, बैंक और प्राइवेट कंपनी पर अब आधार जरूरी नहीं। और वरिष्ठ समता सैनिक भालचंद्र लोखंडे का हुआ निधन। 1956 की धम्म दीक्षा समारोह में संभाली थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। SST/ST का प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। इस विषय में मायावती ने कहा कि पूरी स्थिति फैसला पढ़ने के बाद ही साफ होगी। प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जो निर्णय दिया गया है तो उसके पूर्ण निर्णय को देखने के पश्चात ही अभी फैसला आया, तो उसके हर बिंदु को देखा जाएगा बारीकी से। तो उसके पूर्ण निर्णय को देखने के पश्चात ही स्थिति साफ तौर से स्पष्ट हो सकेगी। किंतु मीडिया में जो अभी तक समाचार आ रहे हैं तो उससे स्थिति ये स्पष्ट होती है कि देश में SST/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है, बल्कि साफ तौर पर ये कहा है कि सरकारें अगर चाहें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो बल्कि साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारें अगर चाहें तो इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देती रह सकती है, तथा अब इनके पिछड़ेपन को साबित करने के लिए आंकड़े जुटाने के सन 2006 के प्रावधान को भी अब समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रावधान के कारण ये कानूनी प्रावधान लगभग निष्क्रिय होकर रह गया था, जिसको समाप्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आधार की अनिवार्यता पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शर्तों के साथ आधार कार्ड को वैध किया। फैसलों के मुताबिक स्कूलों, बैंक और मोबाइल कंपनियों को आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। इस फैसले के बाद से आम जनता को बड़ी राहत जरूर मिली है। We'll be right back.
जैसे हमारी मर्जी से कहीं कहीं जाना है तो आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, बट उसको अनिवार्य नहीं बनाया। जो मुख्य बातों में लोग परेशान थे वो है बैंक में मोबाइल फ़ोन खरीदने में और यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों में, नीट एग्ज़ाम लेना है, ये सारी चीज़ों में आधार कार्ड को कंपलसरी किया था। अब ये कंपलसरी नहीं है। ऐतिहासिक धम्म दीक्षा समारोह की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी में शामिल अंबेडकरीय आंदोलन के वरिष्ठ समता सैनिक भालचंद्र राजाराम लोकंडे का मंगलवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 83 वर्ष थी। उनकी शव यात्रा शताब्दी चौक रामेश्वरी रिंग रोड स्थित उनके आवास से निकाली गई और मोक्षधाम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान समता सैनिक दल के कार्यकर्ता और वहां मौजूद लोग भावुक नजर आए। आदरणीय बालचंद्र लोखंडे साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। यह केवल ऑल इंडिया समता सैनिक दल के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण अंबेडकरी आंदोलन के लिए बहुत बड़ी हानि है। बालचंद्र लोखंडे साहब का यदि हम जीवन देखें तो वे जब 8-10 साल के थे तो बचपन से ही उन्होंने अंबेडकरी आंदोलन में हिस्सा लिया। विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो समता सैनिक दल स्थापित किया था उस समता सैनिक दल में लोखंडे साहब ने विद्यार्थी अवस्था से ही हिस्सा लिया और दल के साथ में उन्होंने जहाँ जहाँ पर दल के कार्यक्रम होते थे वे आगे आके हिस्सा लेते थे। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जब ऑल इंडिया समता सैनिक दल की पहली परिषद 20 जुलाई 1942 को नागपुर में हुई, इस परिषद में समता सैनिक दल के 50,000 से भी अधिक सैनिक थे। बाल सैनिक के रूप में लोखंडे साहब इसमें थे। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति के समय भी समता सैनिक दल की ओर से एक सैनिक के रूप में जहाँ बाबा साहब अंबेडकर जब यहाँ शाम होटल में ठहरे थे उस होटल के सामने उनके कमरे के सामने सुरक्षा की व्यवस्था लोखंडे साहब को सौंपी गई थी, लोखंडे साहब ने उसकी व्यवस्था की। उसी के साथ जब 13 अक्टूबर को उंडखाना में जो मीटिंग हुई थी रिपब्लिकन अपना ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं की, तो उस मीटिंग में भी सुरक्षा की व्यवस्था लोखंडे साहब ने की थी। और उसी के साथ जो 14 अक्टूबर 1956 का जो दीक्षा का समारोह हुआ उस समारोह में लोखंडे साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर का जिस स्टेज से वे दीक्षा लेने वाले थे उस मंच की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी जिन सैनिकों को सौंपा गया था उन सैनिकों में लोखंडे साहब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आदरणीय समता सेनानी भालचंद्र जी लोखंडे, इनकी आज अंत्येष्टि हुई और यह शोक सभा शुरू है तो इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि महिला सैनिकों की उन्होंने हमेशा हिम्मत बढ़ाई है, प्रेरणा जगाई है और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन में जोड़ने के लिए हमेशा साथ में भी आए हैं और एक प्रेरणा रूपी व्यक्तिमत्व उनका था
और उनका मार्गदर्शन अभी भी हमें बहुत ज़रूरी था और हम उनको बहुत मिस करेंगे। और उनकी इच्छा थी कि सभी गट के लोग एकत्र हो जाए, क्योंकि आज की परिस्थिति में वो बहुत ज़रूरी है ऐसा कहते थे, क्योंकि समाज के ऊपर आनी बानी की परिस्थिति आई हुई है और ऐसे समय सभी गुटों ने एकत्र आना चाहिए और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और आज इस अवसर पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मगर आज जब उनका शोक संदेश करने का समय आया तो बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने जो समता सैनिक दल की निर्माण की या आज से नहीं तो 1956 साल से की थी, उनके लिए उन्होंने जेल जाना पड़ा, बहुत सारे संकट उठाने पड़े। और आज भी मैं समता सैनिक दल को यही कहूँगी कि बाबा जो मेरे भाई बहन है सब एकजुट रहो, समता सैनिक दल में एकजुटी बहुत जरूरी है। जब जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर समता सैनिक दलों की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो कही होता है लेडीज रहे जेंट्स रहे सब लोगों को जो समता सैनिक दल का निर्माण होता रहे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे, यही आज मैं वहां पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती हूं। जब भी मीडिया पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस दल ने गठबंधन किया है। 55 सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और 35 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जिसकी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई। पत्र परिषद में जनता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जोगी, बसपा के महासचिव डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मौजूद थे। जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से आजी जा चुकी है और इस बार इस नए गठबंधन को इस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का मौका बीजेपी और नए छत्तीसगढ़ का निर्माण इस सरकार से मतलब आदिवासी और दलितों को न्याय मिल पाएगा। केवल दलितों और आदिवासियों को नहीं, समाज के हर वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को, सबको न्याय न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर उनके शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया था, 15 लाख रुपए देना एक चुनावी चिन्ह था। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाई है तो जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए काम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस बात का साक्षी है। उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष की आज़ादी में 7 वर्ष शासन काम करने का काम बीएसपी ने आदरणीय बहन जी ने किया। 7 वर्षों में 70 वर्ष का विकास करने का काम आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश। भोकरधन तहसील के अड़गांव भोबे में बौद्ध समाज के लिए स्मशान भूमि न होने से अंतिम संस्कार के दौरान बौद्ध समाज को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत में कई सालों से मांग करने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नागरिकों में आक्रोश है। आपको बता दें कि रास्तों के किनारे बौद्ध समाज को अंतिम संस्कार करने में मजबूर होना पड़ा है। मी रतन कुमार, आड़गाव तालुका भोकरदन जिल्हा जालना, या ठिकाणी बौद्ध स्मशानभूमीच्या जागी इथं आम्ही आलेलो आहोत। बौद्ध स्मशानभूमी कशी असावी, कुठल्याही जाती धर्माची असेल, तिथं नीटनेटक्या सुविधा या सर्व गोष्टी तिथं उपलब्ध पाहिजे। परंतु आड़गाव या ठिकाणी गेले 50 ते 60 वर्षापासून स्मशानाची काय दुरावस्था झालेली आहे आपण बघत आहोत। आपले कॅमेरामन दाखवतील की हा जो समोरचा भाग आहे, जे मोठं मोठं गवत दिसतंय समोरचं, तर ही स्मशानभूमी आहे। या स्मशानभूमीमध्ये जर आजच्या डेटला एखाद्या माणसाचा मृत्यू झाला तर त्याची डेड बॉडी घेऊन अंतिम संस्कार करण्यासाठी जर आपण तिथं गेलो तर जायचं कुठून? जायचं आपण बघत आपण इकडे बघत आहात। हा रस्ता जो आहे समोरचा, हा गावातून आलेला रस्ता आहे, आपले कॅमेरामन दाखवतील। हा रस्ता गावातून आलेला आहे, इथपर्यंत हा रस्ता आला, इथपर्यंत आल्यानंतर ह्या रस्त्यावरून आता आपल्याला पुढे स्मशानभूमीत जायचं आहे इकडे, तर इथून कसं जाणार? तुम्ही आता इथं नजर टाका, या अशा अवस्थेमधून साधं एक माणसालासुद्धा आता मी इथून जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे। मी स्मशानभूमीत जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर इथून मला
एकट्याला स्वतः सुद्धा जाऊ शकत नाही मी इथे अशी अवघड अवस्था आहे. तर एखाद्या माणसाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची डेड बॉडी कशा पद्धतीने तुम्ही घेऊन जाणार, ते म्हणजे किती अवघड परिस्थिती आहे, आपण कल्पना करू शकतो या गोष्टीची की किती अवघड परिस्थिती आहे. आणि या स्मशानभूमीच्या कार्यक्रमासाठी यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी अनेक वेळा तहसीलदार, ग्रामपंचायत, सरपंच यांना वारंवार निवेदनं दिलेले आहे, गावकऱ्यांनी वारंवार त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतलेल्या आहे, परंतु कुठल्याही प्रकारचं आत्तापर्यंत याच्यामध्ये बदल झालेला नाही आहे. आपण या ठिकाणी आता बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या असतील, तर कॅमेरामॅन माझ्यासोबत आले तर तुम्हाला दाखवता येईल पुढे असलेली दयनीय अवस्था. अशा परिस्थितीमध्ये मला इथं चढायला किती त्रास होतोय आपण पाहत आहात. अशा पद्धतीमध्ये ही जी अवकळ आहे, हा सर्वसाधारण माणसाला चालण्यासाठी ही अवस्था आहे. तर एखादी डेड बॉडी घेऊन येताना किती संघर्ष करावा लागत असेल, या लोकांना काय किती त्रास होत, याची प्रशासनाला कुठल्याही प्रकारची काळजी नाही आहे. आणि प्रशासन एवढं निडर झालेलं आहे की अशा पद्धतीचं हे जे वातावरण आहे तर हे तुम्ही बघू शकता. ही स्मशानभूमी आहे, 2 एकर नाही 2 गुंठे 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 2 गुंठे
त्याच्यावर नोंद आहे. अनेक वेळा तहसीलदारांना सांगितलं, सरपंचांना सांगितलं, परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई अद्यापर्यंत झालेली नाही. गोंदिया शहर के समीप रेलवे पुल के नीचे रेलवे कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक कर्मचारी का नाम निकेश बहादुर है, जो रेलवे में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत था. आत्महत्या करने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. मैं बोल रहा हूँ माननीय पीएसओ श्री नालट, इनके मार्गदर्शन में आज सुबह जो हैंगिंग केस हुआ है ऑन ड्यूटी डिवाइसेस गोंदिया के तरफ से हमारे को मालूम मिली, उस पर से हम घटनास्थल पर जाके उसकी कार्रवाई होने के बाद उसको पीएम के लिए भेजे और आगे की चौकसी चालू है. नागपुर में 28 से 30 सितंबर को नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफ इंडिया और एसकेपी सावले आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से 14वें जागतिक और 22वें भारतीय नार्चिकॉन परिषद 2018 का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई. ये कॉन्फ्रेंस जो है 14वीं कॉन्फ्रेंस है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस होती है और अपने नागपुर में इसे थर्ड चांस मिल रहा है ये कॉन्फ्रेंस मिलने का. और ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन इनका कॉम्बिनेशन में ये चलता है. मेन मोटो जो नार्ची के ऑर्गेनाइजेशन है उसका रूरल हेल्थ, इम्प्रूव द रूरल हेल्थ, जिसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिड्यूस करने का मेन उद्देश्य है. तो रजिस्टर हो गए हैं और इसमें मेनली स्टूडेंट्स भी हैं, जो डॉक्टर डॉन का नार्ची के जो पार्ट है डिप्लोमा कोर्स, जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं जो पास हो गए हैं, उनको भी सबको बुलाया है हमने, पास्ट वालों को, और नार्ची ऑफिस के जो लोग हैं वो, और ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लोग भी, ये सब पार्टिसिपेट करके अपने अपनी एक्सपर्टीज जो उनका ओपिनियन है वो डिस्कस करेंगे और वो प्रेजेंटेशन भी देंगे. इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो क्या? मेन मोटो अरेंज करने का यही फ़ायदा है कि बेसिक मॉर्टेलिटी रेट, जैसे प्रगति ने कहा कि बेसिक मॉर्टेलिटी रेट अपने को, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट अपने को कम करनी है, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं. तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत बेसिक पर आधारित है. हम बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं डिस्कस करते पर बेसिक, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पीपीएच डिलीवरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग होता है तो वो कैसे हम अरेस्ट करें, इन्फेक्शन होता है, बीपी बढ़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो वो सबको हम कैसे कंट्रोल करें. जैसे मैंने पहले कहा कि रूल ऑफ 10 ये डॉक्टर डॉन ने शुरू किया था, तो हर एक जब डॉक्टर सीखता है उनके पास में तो दे हैव टू रिमेंबर कि रूल ऑफ 10 में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे इम्प्लीकेशन करें. करेक्ट करना चाहूँगी, ये 41% नहीं है, ये है 40 डेथ्स 1 लाख लाइफ बर्थ्स के बाद. इट इज़ नॉट परसेंट, अगर परसेंट मिलेंगे तो होगा. इसको हम बोलते हैं 1 लाख जन्म होने पे कितनी माताएं मरती हैं. तो अभी ऑल ओवर इंडिया का एक ओवरऑल एक 120 to 130 का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट चल रहा है, जो कि 10 साल पहले 300 था, 10 साल में
जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है उसकी रेट इंडिया में है 5.6% ऑफ डिक्रीजिंग एज कम्पेयर टू अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट जिसका स्पीड है 2.6%। इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी बड़े तीव्रता से कम हो रहा है, ठीक है। अब बात क्या कारण है जिसके कारण माता मृत्यु होती है ज़्यादा, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि 38% जो डेथ्स होती हैं वो ब्लीडिंग के कारण होती है। उसके बाद में इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन से 11% डेथ होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से 5% डेथ्स होती हैं। 5% डेथ्स कुछ डिलीवरी रिलेटेड, प्रसूति रिलेटेड कारणों से होती हैं। और ये जो मृत्यु होती है ये सिर्फ डिलीवरी के समय की मृत्यु ना होके डिलीवरी होने के पीरियड में आखिरी के दिन और डिलीवरी होने के 4 हफ्ते तक अगर किसी भी माता की मृत्यु होती है तो उसको हम इस माता मृत्यु दर में पकड़ते हैं। भोकरधन के सरकारी विश्राम गृह में भारी बहुजन महासंघ और MIM वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारीप के जिलाध्यक्ष दीपक डोके ने आह्वान करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से किसान महाधिवेशन में भोकरधन से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहेंगे। तिथं जो धनगर समाज आहे हा नंबर 1 बाळासाहेबांच्या पाठीशी, तर म्हणून ही जी सभा होणार आहे ही संपूर्ण महाराष्ट्राचं भविष्य घडवणारी सभा आहे। ही सभा कमीत कमी 8 ते 10 लाखापर्यंत होणार आहे, परंतु फक्त मी म्हणतो म्हणून ती होणार नाही। आताच अध्यक्षाने सांगितलं सगळ्यात पहिलं आल्याबरोबर आम्ही जे काम केलं ते तुमच्या सगळ्या सर्कल वाईज बैठका लागले गेले पाहिजे। तुम्ही प्रत्येक सर्कल मध्ये गेले पाहिजे आणि प्रत्येक सर्कल मध्ये जर तुम्ही गेले तर सर्कलच्या व्यक्तीला माहित होईल, तो गावागावात जाईल। या तालुक्यामध्ये प्रत्येक सर्कल मध्ये प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक वस्तीमध्ये ओवेसी साहेबांची सभा, बाळासाहेबांची सभा ही आपण जर घेऊन गेलो तर येणाऱ्या निवडणुकामध्ये ज्या दिवशी 2 ऑक्टोबरला बाळासाहेबांची सभा, ओवीसी साहेबांची सभा औरंगाबादला होईल, मित्र वंचित बहुजन आघाडीचं त्याच दिवशी त्या ठिकाणी आपलं लोकसभेचं चित्र असं स्पष्ट होणार आहे की ज्या दिवशी आपल्या बाळासाहेबांची ओवीसी साहेबांची सभा होणार आहे त्याच दिवशी त्या लोकसभेचा जो खासदार गेल्या अनेक 5 वर्षांपासून लढत आलेला आहे, निवडून येत आलेला आहे, असे चंद्रकांतजी खैरे हे त्या सभेमुळं त्यांची पहिली विकेट या मराठवाड्यामध्ये जाणार आहे। जर आपल्याला संपवायची असेल आणि या रावसाहेब दानवेला जर आपल्याला सत्तेची बस्ती जर जिरवायची असेल तर वंचित बहुजन आघाडी, बाळासाहेब आंबेडकर, ओवैसी साहेब असा एक पर्याय महाराष्ट्राची मस्ती आणि मस्ती जर जिरवायची असेल तर ते फक्त हे दोनच नेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली जिरवू शकतात। आणि म्हणून या वंचित बहुजन आघाडीला आपण सर्वांनी घेऊन चालावं आणि येणाऱ्या काळामध्ये ताकदीनं बाळासाहेब आणि ओवीसी साहेबांच्या पाठीमागे आपण सर्वांनी राहावं अशी विनंती करतो। आणि आज भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर अमरावती के अंजनगांव सुरजी में महापरित्रण पाठ और भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भदंत करुणाशील थेरो ने प्रवचन दिया और उपासक उपासिकाओं ने अपनी बात रखी। वर्षवास में इस बुद्ध विहार में हर साल ग्रंथ का पठन किया जाता है। इस वर्षवास के मंगल उपलक्ष्य में पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे दानशूर लोगों के तरफ से भोजन दान दिया जाता है और धर्मगुरु भी अपने साथ में मौजूद है। जानना चाहेंगे कुछ धर्मगुरु से अपनी राह वंदा में बनते भक्ति जी, आज का जो भोजन दान का जो प्रोग्राम यहाँ पे जो नियोजित किया है, इसके पहले भोजन दान का प्रोग्राम नियोजित हुआ करता था कि ये भी वहाँ श्रावण पूर्णिमा में सब लोग इकट्ठा आके यहाँ पर भोजन दान कर देते हैं। सफेद बजे 12 बजे के आप भोजन दान होने चाहिए ऐसा मैंने आगे दिया था, वैसा उसने कर सकते कर दिया। भंती जी, वर्षवास के उपलक्ष्य में जो ग्रंथ का जो पठन किया जा रहा है वो कौन से ग्रंथ का पठन किया जा रहा है? यहाँ पर अभी ग्रंथ का पठन है भगवान बुद्ध और कृष्ण का धर्म और भगवत गाथा
खंड क्रमांक तीन ये यहाँ पर सभा होगा। कितनी उपस्थिति रहेगी यहाँ पर? उपस्थिति रहेगी उपस्थिति 40-50। मंत्री जी, एक तरफ से देखा अगर जाए वर्षवास में अपने पूरे भारत वर्ष में 90% हृदय और उनका धम्म ये ग्रंथ का पठन किया जाता है। इस पठन के उपलक्ष्य में जो जो समाज के लोग जो ग्रंथ श्रवण करने के लिए आते हैं, क्या लगता है आपको कि समाज में इस ग्रंथ के कारण एक परिवर्तन हो रहा है? इस ग्रंथ में पठन करने वाले जो लोग आते हैं, 2016 में मैं यहाँ था, 2017 में और 2018 में, जो 2016 में कम था 17 में ज़्यादा हो गया, और अब बार बार दिन तक वो पठन करते और वो धम्म श्रवण करते, उसका आचरण भी करते। ऐसा मैंने यहाँ पर देखा है, जो लोग होम मार्ग से जाने वाले थे, अंदर सत्य में रहने वाले थे, वो सब ये मार्ग पर आ गए। जो यहाँ पर उपासक रहते हैं, वो उपासक उपासिका धम्म ग्रंथ का पठन करते हैं। और ये साल में आषाढ़ी पूर्णिमा से जो हमने 8:30 बजे ग्रंथ चालू किया और 9 बजे के बंद कर दिया है, और सरकारी सुबह से सुबह हम 7:30 बजे चालू करते, 6:30 बजे बंद करते, तो सब लोग उसमें आते हैं और नाश्ता करके प्रसन्न मन से अपने निवास स्थान में निकल जाते हैं और वो खुशी में वो आनंद में रहते हैं। पिछली बार महिला मंडल की ओर से ये बिहार में मीटिंग रखा गई थी, और जो पहले नगर का सर्वे अगर देखा जाए तो दैववाद में ये नगर आया था, पे आया था, उस टाइम में अपन ने सर्वज्ञ सभी किया था कि दैववाद मुक्त वन खड़े पे, तो वो परिवर्तन कितना परसेंट आपको लगा? मेरी राय ये है कि जो धम्म पूरे विश्व में फैला है और जो जहाँ उत्पत्ति है धम्म की भारत में, वो कुछ साल पहले लुप्त हो गया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ धम्म की ज्योत जलाई, तब से हम तब से और 30-35 साल तो हमारे बौद्ध धम्म समझने को लगे, और अब हम वर्षवास के रूप में जो यहाँ ग्रंथ पठन करते हैं हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बा हो, गाँव हो, खेड़ा हो, तो वहाँ जो पठन चालू होता है वो आज सुनते हैं लोग, और वो धम्म श्रवण करने की जिनकी जो प्रतिक्रिया है वो अपने आप ही परिवर्तनशील होती है, क्योंकि धम्म एक श्रवण करने की नहीं तो एक विचार पालन करने की विचारधारा है, जिसके जीवन में ये परिवर्तन हो गया वो अपने आप ही धर्म के रास्ते पर चलता है, ये मेरी खुशी है। अभी आपकी बिहार दशा में धर्म पर कौन से कहीं पे परिवर्तन लाया है? सबसे पहले जी उनके पावन पर्व से यहाँ पर जो भी मंगल हो रहा है, जो भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अभी तक उदय धम्म ही पढ़ा जाता था, मंत्री जी आने के बावजूद यहाँ पर धम्म पर गाथा और कथा का भाग 3 खंड 3 नंबर में चालू है, और बिम्बिसार राजा सेन जी का जो भी धम्म के उपासक बने हैं वो कैसे बने, क्या बने और पहले क्या थे, ये सब कुछ खंड में है, और अतिशय बोधी महत्वपूर्ण बातें मंत्री यहाँ पर बता रहे हैं, इससे परिवर्तन आ रहा है। अरे सच्चा पुत्र कैसा होना चाहिए, बुद्धिस्ट कैसा है, और अपन ने बनना कैसे चाहिए, ये सब बातें मंत्री जी द्वारा हमारे को पढ़ाई जा रही है, और यहाँ पर उपासक अच्छा बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रवण करने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए
कहना है बंदी श्री की पूरे भारत के अंदर बंदी रहे तो भारत बुद्ध में बनने को देने लगेगी और बाबा साहब का सपना साकार होगा। जय भीम। जय भीम इंडिया पर आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया। जय भीम।